हेलो एवरीवन, एटीएम चेस पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही चटपटा और टेस्टी सा नाश्ता, गोभी कबाब, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में, एकदम मसालेदार होता है, लेकिन इसमें कम मसालों का इस्तेमाल होने के बावजूद भी ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप देखोगे कि इसे बनाना बिल्कुल आसान है और ये थोड़ी सी नई स्टाइल के हैं, तो ये देखते ही सभी को पसंद आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी दूसरी रेसिपीज की तरह ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर फाइनली चॉप की हुई फूल गोभी ली है। तो जो फूल गोभी था वो लगभग 500 ग्राम का था, जिसके फ्लोरेट्स निकाल के हमने इस तरह से फाइनली इसे चॉप कर लिया है। तो एकदम बारीक कट किया हुआ हमें फूल गोभी चाहिए इसके लिए। अब इस गोभी को हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पर अगर हम कप से इसे मेज़र करके लें तो लगभग ये 1.5 से 2 कप के करीब फाइनली चॉप की हुई गोभी है। यहाँ पर गोभी को फाइनली चॉप करने की जगह पर कद्दूकस भी कर सकते हैं। ग्रेटर की मदद से हम गोभी को ग्रेट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गोभी को इसमें हमने डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये 3 से 4 उबले हुए और मसले हुए आलू। आलू से जो कबाब बनते हैं उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। आलू के बाद इसमें हम मिलाएंगे हरी मिर्च, जो कि लगभग 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, क्योंकि हम इसे एकदम ही चटपटा बनाएंगे और इसका स्वाद लंबे टाइम तक मुंह में बना रहे। इसके लिए हम इसमें थोड़ी सी ज़्यादा हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही में ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल देंगे। और इन कबाब को एक क्रंच देने के लिए इसमें हम डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप बिना प्याज के इसे बनाना चाहते हो तो प्याज इसमें आप डालना अवॉइड कर सकते हो। अब इन कबाब को एक्स्ट्रा चटपटा बनाने के लिए इसमें हम हल्की सी खटास के लिए ये आधा नींबू का रस इस तरह से निचोड़ कर डालेंगे। इससे हमारे जो कबाब बनेंगे, गोभी के कबाब, वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने नींबू का रस इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे, जैसे कि 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है तो मिर्च आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम कर सकते हो। साथ ही में इसे एक स्ट्रॉन्ग मसालेदार फ्लेवर देने के लिए 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर इसमें मिलाएंगे। साथ ही में इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर हमें इसमें ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन्हीं गिने चुने मसालों से हमारे जो कबाब है वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और अब हम इसमें मिला लेंगे ये नमक स्वाद के अनुसार। अगर मेजरमेंट पर जाए तो लगभग 1 टीस्पून नमक इसमें यूज़ होता है। तो अब इन मसालों को और इन सभी चीज़ों को हम गोभी और आलू में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारे इस कबाब के मिक्सचर को बाइंड करने के लिए इसमें हम मिलाएंगे ये अरारोट या कॉर्नफ्लोर या फिर कॉर्न स्टार्च, लगभग 2 से 3 टेबलस्पून, और अच्छे से इस मिक्सचर में हम इसे मिक्स कर देंगे। यहाँ पर अगर ये आपके पास नहीं है तो चावल का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बेसन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छे से सभी चीज़ों को मिला लिया है। अब हम इसे का एक डो तैयार करेंगे कबाब बनाने के लिए। तो इसमें हम मिलाएंगे ब्रेड क्रम्स, यानी कि ब्रेड का चूरा। तो जो सूखी ब्रेड होती है, जो पुरानी ब्रेड होती है, या फिर कई बार हमारे ब्रेड के कॉर्नर्स बच जाते हैं, तो उनका चूरा बनाकर, उसका पाउडर बना करके वो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगभग 5 से 6 ब्रेड को मैंने मिक्सी में पीस कर इस तरह से ब्रेड क्रम तैयार कर लिए हैं और इसे हम अच्छे से मसलते हुए इसमें मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमें ब्रेड क्रम्स को इतना इस्तेमाल करना है जितनी हमें ज़रूरत हो। तो हमें इसका डो तैयार करना है। अगर ये ज़्यादा हमें गीला गीला लगेगा तो हम इसमें और ब्रेड क्रम्स मिला सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने कबाब के लिए इस तरह से डो तैयार कर लिया है, जो कि अच्छे से सॉफ्ट है और अच्छे से बाइंड है ये। तो चेक करने के लिए हम इसे इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर इसकी बॉल सही से बन रही है तो ये एकदम परफेक्ट है। और इसमें अगर आपको मैं बताऊँ तो लगभग 1.5 से 2 कप ब्रेड क्रम का इस्तेमाल हुआ है। अब इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में मीडियम स्लो आँच पर तेल को गर्म होने के लिए रखा है। इनके लिए तेल को हमें ना तो ज़्यादा गर्म करना है और ना ही ठंडा तेल इस्तेमाल करना है। तो तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। इधर हम अपने हाथों पर हल्का सा तेल लगाएंगे और जो मिक्सचर हमने तैयार किया है उससे हम गोभी के कबाब बनाएंगे। तो जितनी छोटी साइज में या बड़ी साइज में आपको बनाना है उतना पोर्शन हम इस तरह से अपने हाथों में ले लेंगे और पहले हम इसे अच्छे से बाइंड करेंगे, अच्छे से इसे दबाएंगे और फिर इसे हम इस तरह से रोल करते हुए एक कबाब की शेप इसे दे देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से बने हमारे ये गोभी के कबाब खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये थोड़े से देखने में
और बनाने में थोड़ी सी यूनिक स्टाइल के हैं, तो आपको भी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और सभी को ये बहुत ही पसंद आएंगे। तो इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में हम गोभी के कबाब बना करके तैयार कर लेंगे। अब यहाँ हमारा जो तेल है ये भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो कुछ गोभी के कबाब इसमें हम डाल करके फ्राई करेंगे। और ये देखिए हमारा जो तेल है वो ज़्यादा गर्म नहीं है, तो कुछ कबाब हम इसमें डाल देंगे, एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो तेल का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो कुछ कबाब को हम इसी तरह से इसमें थोड़ी देर तक फ्राई होने देंगे। थोड़ी देर के बाद जब हमारे ये कबाब हल्के से फ्राई हो जाएंगे, तब हम इन्हें चम्मच से इस तरह से रोटेट करेंगे ताकि ये सभी तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए और इनका कलर अच्छे से चेंज हो जाने तक, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक इन्हें हम इसी तरह से फ्राई होने देंगे। और इन्हें हम लगातार थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह से चलाते भी रहेंगे। ये देखिए अब हमारे जो गोभी कबाब है ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो इन्हें अब हम निकाल लेंगे तेल में से किचन टिश्यू पर, ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और सभी गोभी कबाब हम इसी तरह से तैयार करेंगे और फिर इन्हें गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। इस तरह से हमारा ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट नए तरह का नाश्ता गोभी कबाब बन करके तैयार है खाने के लिए। तो आप भी इसे इस तरह से ज़रूर घर पर बनाएं, सबको ये बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज़ हमारे चैनल EDMSS को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस गोभी कबाब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग EDMSS।